हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिटी रिहैब। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको देखने को मिलता है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के वीडियोस, फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई जानकारी और कुछ आपके घरेलू उपाय जो फिजियोथेरेपी की मदद से आप घर बैठे उसका इलाज कर सकते हो। साथ ही हम कुछ प्रोमिनेंट लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं और उसी सिलसिले में आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं जयपुर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विक्रम यादव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम यादव से, जानेंगे उनका फिजियोथेरेपी की जर्नी और उनकी प्रैक्टिसिंग जर्नी, किस तरह से उन्होंने इस फील्ड में अपने आप को ग्रो किया, अपना नाम बनाया और साथ ही काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने ट्रीट किया और उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी उनसे निजे सवाल भी करेंगे जो आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डॉक्टर विक्रम यादव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और उम्मीद है कि आज इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को ऐसी बताएंगे जिनसे आगे उनको अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है उनको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच प्रताप फॉर मेकिंग मी कम ऑन योर चैनल। वन ऑफ वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव चैनल आप कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत कई बार मेरे को बड़ी इच्छा दी थी मैं इस चैनल पे हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। पहला मैसेज, एक मैसेज और हाँ, इतनी क्या जल्दी थी मेरे से बात करने की। सबसे पहले आप ये बताइए कि अपने दिमाग और दिल में एक MBBS डॉक्टर बनने का सपना पाल के आप चले थे MBBS करने और आज फिजियोथेरेपी की दुनिया में नाम कमा रहे हैं, क्या क्या जर्नी रही है? अगर जब आप अपनी जब शुरुआत में बात हुई थी तो आपने मुझसे एक ही बात बोली थी कि जो भी बात बोलना वो ऑनेस्टली बोलना। तो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट रियलिटी पता ये है, फिजियोथेरेपी वॉज नॉट माई फर्स्ट लव। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। MBBS मैंने स्टार्ट किया, 1.5 साल वाला कोर्स किया, 1.5 साल तक कोर्स करता रहा, MBBS कर रहा था, दुनिया को पता था मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया। अब पूरी दुनिया को, ये सोसाइटी को पता है कि विक्रम यादव एक डॉक्टर बनने वाला है। अब मेरे पास डॉक्टर का ठप्पा चाहिए था, उसके लिए मैंने फिजियोथेरेपी को ज्वाइन किया। अब जो मेरे साथ में मेरे जो फेलो साथी होंगे उनको भी लगेगा अच्छा डॉक्टर के ठप्पे के लिए किया। हाँ, रियलिटी में स्टार्ट ऐसे ही किया था। 3rd ईयर तक मेरे लिए फिजियोथेरेपी सिर्फ एक बैचलर डिग्री तक थी और सबसे खास बात ये हुई 3rd ईयर के अंदर मेरे टीचर्स का मैं काफ़ी क्लोज था तो मेरे टीचर ने मुझे अपना चेक दिया, सैलरी चेक दिया कि यार विक्रम इसको जमा करा देना। तो मैंने ये अब, आप उस जमाने की बात बता रहे 2004-5। यस यस यस, इट इज लाइक अराउंड नाउ जब राजस्थान में फिजियोथेरेपी स्टार्ट था, 2007 हो गया था, है ना, ये जब 2007 की बात है। तो मैंने देखा वो चेक, मेरा जो सपना था वो पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने जीवन में सोच लिया था कि मुझे जीवन में फिजियोथेरेपी तो प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि मुझे पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी। अब लेकिन ये 4th ईयर कंप्लीट होने वाला था तो 4th ईयर के अंदर एक जो सबसे बड़ा मोड आया मेरी लाइफ में वो ये था कि फादर को साइलेंट अटैक आया। तो जब फादर को साइलेंट अटैक आया था वो दिन दशहरे का था। हमने फादर को ट्रीटमेंट के लिए लेके गए, है ना, वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज हुई कि हम वापस उनको ले आए। तो मैं पूरे वक्त तक यही समझ रहा था उससे पहले कि एक स्पाजम है माइल्ड सा जो ट्रेवल कर रहा है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी मच इन्फॉर्म्ड अबाउट कि ये हो क्यों रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं है। अब हुआ क्या कि वो उसकी वजह से जो फर्स्ट एड हमें मिलनी चाहिए थी, जो हमने ट्रीटमेंट करना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल करना चाहिए था, वो हम सब उससे रह गए। एंड फाइनली ड्यू टू दैट नेग्लिजेंस ऑफ माइन, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट भी है, उस बेवकूफ़ी की वजह से मैंने मेरे फादर को खो दिया। और मेरे फादर का बड़ा सपना था कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूँ, तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने अपने आप से वादा किया कि नॉलेज के अंदर मैं राजस्थान में एटलीस्ट नंबर वन रहूंगा नॉलेज को लेकर, कि नॉलेज में मैं कहीं पीछे नहीं हटूँ। डेट इज़ द ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी के अंदर वॉट एवर आई एम राइट नाउ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस वक्त होती तो शायद मैं मेरे फादर को बचा चुका होता। तो आपके लिए वो एक वजह बनी आज जो yes. भी आप फिजियोथेरेपी में जो आपकी सक्सेस है तो आपने अपने नॉलेज को ग्रो किया। नॉलेज को ग्रो करने की वजह ये थी कि डोमेन स्किल के अंदर मेरे से अच्छा कोई होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे।
जयपुर में तो एटलीस्ट। ये तो बड़ी इंस्पायरिंग बात है आने वाले काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, और अगर आप नॉन फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करने का ठाना है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा कोर्स लीजिए और जिसकी वजह से आप उसको ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उसको आप टारगेट बनाइए और अपने करियर को ग्रो करें। तो डॉक्टर विक्रम, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तो क्या होते आज, क्या करते? अगर मैं बोलूँ तो मेरी अच्छी बात यह है कि बाय गॉड्स ग्रेस मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं ये करूँ, क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनूँ। बट बीच में जब मैं थर्ड ईयर में था, जैसे मैं बता रहा था कि आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज प्लानिंग टू बिकम इवेंट मैनेजर। तो मैं शायद एक इवेंट मैनेजर होता, ठीक है, या फिर किसी बड़ी कंपनी के अंदर CEO होता, क्योंकि मुझे प्लानिंग में और इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स, तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने में बड़ा शौक है। तो मैं हो सकता शायद मैं किसी HR कंपनी के अंदर होता, या फिर मैं कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता, या फिर कोच होता साइकोलॉजिकल, मतलब मैं आई वुड हैव बिकम अ लाइफ कोच। तो ये मेरा वन ऑफ द ड्रीम है, हो सकता है जब मैं रिटायरमेंट ले लूँ फिजियोथेरेपी से तो आई बिकम अ लाइफ कोच डेफिनेटली। वो तो आज अभी भी काफ़ी यंग स्टूडेंट्स के लिए आप एक लाइफ कोच की तरह ही काम करते हैं। तो काफ़ी स्टोरीज हमने आपसे काफ़ी बार आपके इवेंट्स मैनेजमेंट की सुनी भी हैं और काफ़ी मज़ेदार स्टोरीज हैं। तो कभी इस वीडियो के बाद में हम उनको वापस याद ताज़ा करेंगे उन चीज़ों पे। तो डॉक्टर विक्रम, कितना मलाल है एक आप वो डिग्री आपकी ड्रॉप हुई उसके बाद आपने बैचलर्स किया फिजियोथेरेपी। लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनकी शादी अपनी प्रेमिका से नहीं हो पाती तो सोचते हैं कि यार वाइफ को लेकर बड़ा मलाल है। तो रियलिटी ये है, मैं उन लोगों में से हूँ जिस, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, क्योंकि मुझे एटलीस्ट मुझे पता है कि ये ग्रोइंग फील्ड है और मैं इसमें नंबर वन बन सकता हूँ, और मैं आने वाले लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन सकता हूँ कि फिजियोथेरेपी में हम इस लेवल तक जाया जा सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अच्छा हुआ मेरे को MBBS नहीं कर पाया, मैं आज फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ एंड आई एम रियली हैप्पी ऑल्सो। डेफिनेटली जयपुर में हम देखते हैं आपको और आप हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हम कुछ चीज़ों को हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं आपसे सीख के। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे ग्रुप में और बहुत हमारे आप क्लोज हैं। तो डॉक्टर विक्रम, जब नॉलेज की बात आती है और जब भी हमारे जब हम चार लोग हमारे ग्रुप के भी हम बात करते हैं तो हम आपको कहते हैं वर्कशॉप के देवता। आपने ज़िंदगी में इतनी वर्कशॉप कर दी होंगी, शायद कोई एक सिंगल आदमी नहीं कर पाएगा अभी तक। तो ये क्या आपको एक जुनून है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने का? ये कंट्रोवर्सी है, तो ऑडियंस से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी है। मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि वर्कशॉप्स मेरी पहले भी हुई है और इसकी वजह से हमारे घर के अंदर बहुत अच्छे से बाजे बजते हैं और मेरी बहुत सारे कमाई इसकी वजह से डिस्टर्ब, हाँ, खत्म हो जाती है। और मेजरली प्रॉब्लम ये होती है सैटरडे संडे को हमारी वर्कशॉप्स होती है, मतलब जो भी फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, और उसकी वजह से मैं कुछ नया प्लान आउट नहीं कर पाता अपनी क्लिनिक को लेके, अपनी क्लिनिक बाकी चीज़ों को लेके। मेरे को ऐसा लगता है मैं स्किल्स के पीछे ही जा रहा हूँ। एंड व्हाई आई एम डूइंग इट, टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे जो मेरा पैशन है वो ये है कि मेरा डायग्नोसिस जो हो फिजियोथेरेपी में वो वन ऑफ द बेस्ट हो। तो उसके लिए मैं मेरी इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट को बढ़ाता जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी है, वी रियली नीड फिजियोज लाइक दैट, कि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन बने पोस्ट इंजरी। अभी तक हमारा प्रोफेशन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है कि जहां पे आज आपको कमर का दर्द है तो डायरेक्टली आप फिजियो के पास जाओ। आपको लगता है, आपको जो पहला आपको दिमाग में आता है आपको लगता है कि कोई और मेडिकल फैकल्टी के पास चले जाए, जब वो मेडिकल फैकल्टी रेफर करे तो वो आपके पास आए। आई रियली वॉन्ट कि वी शुड बींग फिजियो, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन हो फॉर कंसल्टेशन। तो उसके लिए हमारा डायग्नोसिस एक ऑर्थोपेडिशियन से, एक TMR से बेटर होना चाहिए हमारी फील्ड को लेके, पहली चीज। दूसरी बात यह कि हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि फिजियोथेरेपी अलोन वुड हेल्प द पेशेंट, नेवर।
अकेला फिजियोथेरेपी नहीं करेगा, वी शुड टेक केयर ऑफ हिज न्यूट्रिशन, वी शुड टेक केयर ऑफ हिज इमोशन. जब तक न्यूट्रिशन इमोशन यानी आपकी साइकोलॉजी, आपने जो खाया और आपकी फिजियोलॉजी, जब तक ये तीनों एक नहीं होंगे तब तक वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होगा. और वो हर बार हम लोग सुनते हैं हमारे प्रोफेशन में कि सर जब मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तब तो मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके कुछ दिन बाद में मैं वापस वैसा हो जाता हूँ. वो उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि वी शुड फोकस ऑन ऑल थ्री थिंग्स. जब तक उन तीनों चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा. डेफिनेटली ये तो एक पेशेंट के अवेयरनेस की बात है कि सबसे पहला जो सर ने बताया कि एक बहुत बड़ा मिथ है पेशेंट्स के मन में कि मुझे अगर कोई बोलेगा तभी मैं फिजियोथेरेपी करवाऊंगा. यू कैन डायरेक्टली कम टू द फिजियोथेरेपिस्ट और आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट ले सकते हैं. फर्स्ट लाइन आजकल तो इतना चलन में है, एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बन चुका है. काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी बड़े बड़े लोग इसको एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेते हैं कि ये पेशेंट्स की अवेयरनेस की बात है. डॉक्टर विक्रम, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी आपने ट्रीट किया और वो जर्नी कैसी रही और कैसे वहाँ पहुँचने का मौका मिला आपको? जैसे मैं अगर बात करूँ तो व्हेन आई ट्रीटेड आमिर खान, जब मैं आमिर खान को ट्रीटमेंट देने गया था तो आमिर के पास में जब गया था तो इट वाज लाइक कि आई वाज वन ऑफ द फिजियो जो उसको देखने गया उसके यहाँ पर. मैंने जब मैं उसके पास गया था तो आई हैव स्टडीड वेल कि आज जब मैं आमिर को ट्रीटमेंट दूंगा तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि आमिर की इंजरी कौन सी है. आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर पद्मनाभन शेखरन, जिन मतलब इन हिज अंडर गाइडेंस हमने एक मैंने एक कोर्स किया है जिस मूवमेंट जिसमें आई एम एक्रेडिटेड एज ए मूवमेंट थेरेपिस्ट. तो मैं मूवमेंट देख के बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. तो मैं उसके पुराने एक्सरसाइज वीडियोज देख के गया जो गजनी में उसने शूट किए थे. वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि उसकी शोल्डर इंजरी पहले हो चुकी थी. तो ये मैंने पहले से ही उसके लिए होमवर्क किया था. जब मैं उसके पास गया था उसको माइल्ड सा बैक पेन था. तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो ही वाज ट्रीटिंग मी, ठीक है यार मेरा आया है फिजियो ठीक करके चले जाएगा. फिर मैंने उसको जब उनको बताया कि योर प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर पार्ट, तो फिर ही वाज नॉट एग्रीइंग टू दैट. फिर जब मैंने बताया कि ये वाला आपका शोल्डर वीक है तो ही वाज वेरी सरप्राइज कि यार आपको कैसे पता ये शोल्डर मेरा वीक है. फिर उन्होंने मेरे से ये और एक और सवाल पूछा, अच्छा चलो ठीक है अगर मेरा शोल्डर वीक है तो आप मुझे ये बताओ कि मेरे टेनिस एल्बो क्या हुआ. तो वहां पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ कि भाई मेरे टेनिस एल्बो क्यों हुआ. देन आई टोल्ड हिम कि बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन आप हरदम हील्स पहने हुए थे तो वहां से आपका जो टॉर्जन चलो वो एंड ऑफ द डे टेनिस एल्बो तक पहुंचा. तो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज आल्सो. देन ही रेफर्ड मी टू हिज डॉटर इरा जिसका अभी शादी चल रही है, शादी के प्रोग्राम चल रहे हैं. तो इरा का स्लिप डिस्क था तो आई ट्रीटेड दैट. उसको पूरा शियाटिका था, पूरा उसका नर्व वो हो रहा था, इम्पिंज हो रहा था. देन आई ट्रीटेड, देन आई ट्रीटेड भूषण कुमार फॉर हेडेक एंड आई लॉट मेनी सेलिब्रिटीज आफ्टर दैट. एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस, बिकॉज वी हैव प्रोड्यूस द रिजल्ट. और तब मुझे ऐसा लगा कि एक जयपुर का फिजियोथेरेपिस्ट कम्पीट कर सकता है एक बॉम्बे के फिजियोथेरेपिस्ट से डिपेंडिंग ऑन हिज डायग्नोसिस एंड इन्फॉर्मेशन. ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था और मैं और मोटिवेटेड हुआ टू अपग्रेड एंड टू शार्पन अप माय स्किल्स. तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन हुआ कि वाकई में स्किल्स की अपने आप में एक वो है, मतलब वैल्यू है. और यही एक वजह है कि आप रेगुलरली अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं. और ये बहुत नेसेसरी भी है क्योंकि फिजियोथेरेपी फील्ड इतना वास्ट है और अगर आप अपने आप को समय के साथ में अपग्रेड नहीं करते हैं और पुरानी ट्रीटमेंट टेक्निक्स में ही चलते रहेंगे तो बेसिक इज कंपलसरी. बेसिक तो आपका बेस है लेकिन स्किल को अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है. डॉक्टर विक्रम, हमारे व्यूअर्स जो काफ़ी नॉन फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं और एज अ पेशेंट, तो फिजियोथेरेपी की कुछ ऐसी मिथ्स जो आप उनको क्लियर करना चाहेंगे? अभी आपको मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ. हमारे एरिया के मतलब जयपुर के एक बहुत रेनाउंड एमएलए हैं, तो मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टीएमजी प्रॉब्लम. उनको पूरा उन्होंने जो चुनाव है वो सिर्फ आधे मुंह खोलने से कंप्लीट किया एंड ही वॉज हैविंग सीवियर पेन ओवर हेयर. और उनको मुंह खोलते वक्त यहाँ पे क्रैम्प आया था, उसके बाद वो मुंह खोल नहीं पाए और उनका यहाँ पे जबड़ा लॉक हो गया. इससे मेरे पास आने से पहले वो ऑलरेडी स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले चुके थे और डेंटिस्ट के पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. बट प्रॉब्लम डेंटिस्ट की नहीं थी, फिजियोथेरेपिस्ट की थी. क्योंकि अगर डेंटल प्रॉब्लम होती वो दांत में होती, मस्कुलर नहीं होती. हमने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, डायग्नोसिस किया,
टू बी वेरी प्रिसाइज, अवर क्लिनिक इज वन ऑफ द फर्स्ट क्लिनिक जो टीएमजे प्रॉब्लम के ऊपर सबसे शानदार तरीके से फोकस करती है। एंड ये टेक्निक जो है वो मैंने थोड़ा टीएमजे हमारे दर्शकों को बताया, टीएमजे होगा टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारा जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमारा मुंह नहीं खुल पाता, हमारे मुंह के अंदर जबाड़े में दर्द होता है, या हमारा साइड में दर्द होता है, या हमारे को हेडेक होता है, या सर्वाइकल जिसकी वजह से हो जाता है, या फिर पूरा मसल इम्बैलेंस आपका इसकी वजह से होता है। हमने किया, आई थिंक इट टुक ओनली 3 सेटिंग्स फॉर अस कि उनका हमने पूरा मुंह खोल दिया एंड नाउ ही इज कम्प्लीटली फाइन, ही इज कम्प्लीटली ट्रीटेड, जस्ट 3 सेटिंग्स। और ये डेंटिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, डोमल पर्सन को ये लगता है कि अगर यहाँ से रिलेटेड है तो ये डेंटिस्ट की प्रॉब्लम नहीं, ये फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, मैं अभी रिसेंट ट्रेंड में देख रहा हूँ कि ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को कायरो ऑस्टियो दिखाते हैं, और काफी ट्रेंड में है, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो सर साइड में पापड़ रख के उसको कट करके दबाते हैं और वो जो साउंड निकालते हैं, क्रैकिंग साउंड निकालते हैं, पेशेंट को लगता है यही मिराकल है, यही रिजल्ट है। आई एम टेलिंग यू कि दिस इज नॉट द रिजल्ट, ये सिर्फ, ये आप हमारे पेशेंट्स को बता रहे हैं, हाँ ये मैं पेशेंट्स को बता रहा हूँ, ये एक सिर्फ सिम्टम है जो वो ट्रीट कर रहे हैं, ये रिजल्ट नहीं है। क्योंकि जब भी बोन और मसल्स की लड़ाई होती है, हरदम मसल्स जीतती है। अगर आपके प्रॉब्लम मसल्स में है, आप अगर सिर्फ बोन का अलाइनमेंट कर दोगे तो वो ठीक नहीं होगा। आज मेरी उंगली टेढ़ी हो रही है या मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा है मेरे इस मसल इम्बैलेंस की वजह से, तो मैं कटका बुला के मैं एक बार के लिए उसको जगह पे तो रख दूंगा, लेकिन मसल फिर जीत जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। और पेशेंट को लगता है मैं ऑलरेडी कायरो करवा चुका, मैं ऑलरेडी ऑस्टियो करा चुका, मैं कटके बुलवा चुका, मैं मेरी एक सेटिंग की 3,000-5,000 रुपए में दे चुका, बट मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ। यही भी सब वजह है इसके पीछे। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आजकल बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा आपके पोस्चर को ठीक करने के लिए बेल्ट्स आ गई, ब्रेसेस आ गए। आई एम टेलिंग यू द ऑडियंस, ये सब सिर्फ फेक मेजर्स हैं, इससे ठीक नहीं होता है। आपका पोस्चर जब तक आपका ये और आपका ये अलाइंड नहीं होगा, तब तक आपका पोस्चर नहीं ठीक होने वाला। तो वो कैसे ठीक होगा? वो होगा जब आप बेल्ट्स वगैरह यूज करते हैं, काफी पेशेंट्स बेल्ट यूज करते हैं। मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरे फिजियोज अगर किसी पेशेंट को बेल्ट या फिर आप पट्टा या फिर ये दे देते हैं तो ही वो उनका लास्ट डे होता है। पेशेंट मेरे पास आ रहा है इस पट्टे से, इससे और दवाई से निजात पाने, तो रियल फिजियोथेरेपी ये है कि हम इससे उसको निजात दे सके, राधर देन उसको पहनाए। ये वो ऑर्नामेंट्स है जिनको वो उतारना चाहता है, हमारे पास वो लेने या खरीदने नहीं आया इसको, ठीक है। तो आज अगर मैं ऑडियंस से ये बात बोलूंगा, तो अगर एक रियल फिजियोथेरेपिस्ट है तो ही डोंट नीड मशीन्स, ही डोंट नीड ब्रेसेस, ही जस्ट नीड स्किल्स एंड मैनुअल थेरेपी उसको ट्रीट करने के लिए और उसको जड़ से ठीक करने के लिए। जड़ से ठीक करने की मैं बात बोलूं, अगर मान के चलिए मैं अगर आप मेरा हाथ स्ट्रेट कर रहा हूं, अगर मेरा कोर प्रॉपर नहीं है तो मेरे को इसके अंदर एंगल रहेगा। आपका अगर कोर की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है और आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आपका पोस्चर कभी ठीक नहीं हो सकता उन फेक मेजर से। तो प्रताप, मैं आपको जो बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि वी आर इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ DNS, डायनामिक न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलाईजेशन, एक वन ऑफ द टेक्निक है जो चेक रिपब्लिक के अंदर है, जिसके अंदर हम उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिनकी पोस्चरल प्रॉब्लम्स है, स्पेशली स्कोलियोसिस, जिसके अंदर आपकी हड्डी टेढ़ी हो जाती है, और इसका हम प्रॉपर इलाज करते हैं। वजह यह है, DNS एक वो पद्धति है जो मैं ऑडियंस को बता चाहूंगा। DNS होता क्या? DNS वो पद्धति है कि एक जब छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है, तो सबसे पहले वो ऊपर देखता है, फिर उसके बाद में वो हाथों को हिलाता है, पाँव को हिलाता है, फिर उसके बाद में वो गरूले चलता है। तो ये उसका बेसिक मोटर कंट्रोल है जो उसको बचपन से पता होता है। तो DNS वो सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस है जो हम उन एक्सरसाइजेस को रेप्लीकेट करते हुए एडल्ट में करवाते हैं, और जब हम वो एडल्ट में कराते हैं, चूंकि वो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आता है। तो DNS इज दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर योर कोर स्ट्रेंथनिंग एंड फॉर योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मेरा पेशेंट आए तो मैं DNS के थ्रू उसको ठीक कर सकूं। और खास बात यह है, इसमें पेशेंट की हमारे पास कभी ये शिकायत नहीं आती कि सर मैं जब आपके क्लिनिक पे था तब तो ठीक था, मैं उसके बाद में फिर वापस वैसा हो गया। बिकॉज वो आप जो काम कर रहे हो, आप किसी के जुकाम हो रही है तो आप उसे हैंकर चीफ नहीं दे रहे हो,
आप उसके जुकाम को ठीक कर रहे हो। तो जब भी हम अगर कोई मशीन लगा रहे हैं या फिर जब भी हम कट के बुला रहे हैं तो हम उसको सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का हैंकर सीव दे रहे हैं कि तू नाक पोंछता रहे और ठीक होता रहे, ये तू मेरे पास आता रहे, मेरे पास कट के बुलवाता रहे और ठीक होता रहे। नहीं, रियल ट्रीटमेंट इज आप मेरे पास आए, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया और अब आप फ्री हो। दिस इज रियल ट्रीटमेंट एंड दिस इज रियल फिजियोथेरेपी व्हिच आई रियली वांट कि ये ऐसा हो। तो अनडाउटली देखो हम तो सब जानते ही हैं कि आप बहुत एक नॉलेजेबल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जयपुर में कहाँ सर्विस देते थे, हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। आई गिव सर्विस एट राजा पार्क और रिसेंटली माई फिजियो, मतलब हमने जो नाम माई फिजियो से जेन लाइफ की तरफ किया है, तो माई फिजियो हमारा ब्रांड नेम है। मदर जैसे रिलायंस, रिलायंस मदर बॉडी जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस का नेम जियो है, वैसे ही हमारा माई फिजियो के अंडर में एलीट हो गया, एलीट के साथ के अंदर जेन लाइफ हो गया। तो ये अलग अलग टाइल्स के हिसाब से केटर करता है। लास्ट में हम इस चर्चा को विराम देने से पहले एक मैसेज जो हमारे पेशेंट्स को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है या जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ले रहे हैं, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी अगर कोई आपको ये फेक प्रॉमिस करें कि आप सिर्फ ये करवा लो, आप ये पहन लो, आप ठीक हो जाओगे, तो बिवेयर ऑफ दोस क्वैक्स। आप प्रॉपरली ठीक तभी हो सकते हो जब आप मस्कुलर बैलेंस, मेंटल बैलेंस और इमोशनल बैलेंस को ठीक करो, तो ही आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका सिर्फ एक है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो डॉक्टर विक्रम, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ों के आज क्लियरिटी मिली होगी, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में। संदेश मेरे स्टूडेंट्स को भी देना चाहूँगा। या प्लीज, जो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि एंड ऑफ द डे जब फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, तो फिजियोथेरेपी एक अकेला प्रोफेशन है जहाँ पे प्रताप भी फिजियोथेरेपिस्ट है और मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन हो सकता है हम दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो। बट जब एक मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता है अगर वो डायबिटीज है तो वो मोर ओवर मेटफॉर्मिन देगा, अगर बुखार है तो पैरासिटामोल देगा। बट हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रताप ने क्या स्किल और क्या अपग्रेड किया और विक्रम ने क्या अपग्रेड नहीं किया। तो इट इज ऑलवेज योर स्किल्स In this profession matters a lot, rather than आप सिर्फ ये सोचो कि मैं shortcuts या video बना के popular हो जाऊंगा। नहीं, end of the day आपको skills तो लेके आनी पड़ेगी, बस then only we could be successful in our profession। तो उम्मीद है कि हमारे सारी ऑडियंस को बहुत कुछ समझ आया होगा, पेशेंट्स को भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ट्रीटमेंट के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में, कुछ मिथ्स होते हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को बहुत एक नॉलेज मिली, आपकी इंस्पायर किया आपने काफ़ी लोगों को जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जल्दी आपके साथ एक दूसरा वीडियो भी करेंगे जिसमें आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर ही करना और काफ़ी लोग आपसे सीख करके आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।